आज से धार्मिक स्थलों पर दर्शन शुरू। कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ दर्शन शुरू। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ खोले गए मंदिर। धार्मिक स्थलों को खोलने की लंबे समय से हो रही थी मांग। तो आज से धार्मिक स्थलों पर दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। कोविड गाइडलाइंस की पालना के साथ दर्शन शुरू किए गए हैं। सुरक्षा के हालांकि पुख्ता इंतजामों के साथ मंदिर के जो दरवाजे हैं वो खोले गए हैं। धार्मिक स्थलों को खोलने की काफी लंबे समय से मांग हो रही थी। आखिरकार आज से करीब 73 दिन के बाद धार्मिक स्थलों के दरवाजे जो है वो खोल दिए गए हैं। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से हमारी संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय जुड़ चुकी है, तो वहां से जानते हैं किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। आयुषी, 73 दिनों के बाद आखिरकार आज जो है धार्मिक स्थलों के दरवाजे खुल चुके हैं और लोगों में काफी उत्साह था इस डिसीजन को लेकर, किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? बिल्कुल आयुषी, सबसे पहले हम जयपुर के प्रथम पूजनीय हैं और साथ ही विघ्नहर्ता मंगलकर्ता के दर्शन आपको कराते हैं। हर शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत जिनके आशीर्वाद के साथ होती है, जिनको नमन करके होती है, सबसे पहले उनके दर्शन आपको कराते हैं। ये जयपुर के मोती डूंगरी प्रसिद्ध मंदिर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गणेश जी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से कोविड गाइडलाइन का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है वो तस्वीर भी आप देखिए कि देखिए जो मास्क, सैनिटाइजर और साथ ही फेस शील्ड का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो आपको साफ तौर पर दिखा रही होगी, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को भी यहाँ पे फॉलो करवाया जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ सावे हैं, तो ऐसे में जिनके घर में शादी है तो वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं खास पूजा अर्चना करें, क्योंकि उनको भी लंबे समय से इंतजार था। तो वहीं महंत कैलाश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां की गई है क्योंकि कोरोना काल के एक लंबे इंतजार के बाद वापस से पट खुले हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि पहले कोरोना में जब पट भगवान के खुले थे उसी टाइम हमने कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए ये फाइबर शीट्स लगाई थी और फाइबर शीट का ऑर्डर दिया गया है जिससे भक्तजन एक दूसरे को देख तो सकते हैं लेकिन न तो उनकी सांसें मिल सक एक साथ आ सकती है न वो एक दूसरे से हाथ लगा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे ये सामने करी हुई है और पुजारियों के सबके एक एक वैक्सीन लग गई, कुछ के दो वैक्सीन लग गई है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके वैक्सीन नहीं लगी हो। आज भगवान के पट खुले हैं, भगवान के फूल मंगला का श्रृंगार हुआ है, भगवान के आज पंचामृत अभिषेक भी हुआ सुबह। भक्तजन यहाँ नोता करने के लिए आ सकते हैं, नोता कर रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से बिगर मास्क के एंट्री यहाँ पे नहीं। और क्या कुछ खास ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि जैसे कि प्रसादी भी अभी वितरण मना है, ना ही भोग लगाया जा सकता है भक्तजनों की तरफ से, तो चढ़ नहीं रहा, भगवान का प्रसाद दिया जा रहा है और वो प्रसाद के रूप में यहाँ मुखारविंद जो है वो ले सकते हैं, उसके अंदर भगवान के बाल भोग का प्रसाद हो तो वो वितरित हो रहा है। और कितना उत्साह आज जब पट खुले श्रद्धालुओं में आपने देखा क्योंकि बहुत लंबे समय से उनको इंतजार था? सुबह बहुत ज़्यादा श्रद्धालु थे, अब धीरे धीरे क्योंकि अपना तो स्पान 11 घंटे का है, कृपा आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, प्रातः पाँच बजे से संध्या 5 बजे तक खुले रहेंगे, लोग बाग आ रहे हैं अपने दर्शन कर रहे हैं जा रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि लोग बाग आए, भीड़ इकट्ठी नहीं करें, आए दर्शन करके चले। और भक्तजनों से आपकी कोई खास अपील जो भी मोती डूंगरी गणेश? मेरा कहना ही सबसे एक नम्र निवेदन है, वैक्सीन जरूर लगाएं, इस रोग से निजात पाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, उससे परहेज नहीं करें। तो बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई है और जैसे कि महंत जी ने भी बताया कि वैक्सीनेशन का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं क्योंकि देखिए जो कोरोना काल है उसमें हमारे पास 3 हथियार है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन। तो यहाँ पर अभी कुछ श्रद्धालु भी आए हैं, इतने लंबे इंतज़ार के बाद आज खुले हैं, आप दर्शन के लिए आए, कैसा लग रहा है? बहुत इधर से घूम के आना, बहुत खुशी है आज, चूँकि बहुत लंबे टाइम के बाद
गणेश जी के दर्शन हमें करने को मिले, और हमें तो गणेश जी को आज नौता देना था शादी अपने पुत्र के शादी समारोह के लिए, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मंदिर खुला है और हमने गणेश जी के सामने दर्शन किए। मैम आप भी आई हैं पूजा अर्चना की, आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मुंबई से आई हूँ, और मुझे था कि मैं वहाँ जा कर के मोती डूंगरी गणेश जी के यहाँ पर जा कर के अपना उनको निमंत्रण दूँ, और वो आज ही खुले हैं, तो इससे मुझे इससे बढ़ के और खुशी क्या हुई। देखिए आयुषी कितनी खुशी है, क्योंकि सिटी से आई और मुंबई से आने के बाद इनको इंतजार में मोती डूंगरी गणेश मंदिर के वो दर्शन करें और भगवान जी को न्योता दे। आज पहला दिन जब वापस से मंदिर के पट खुले हैं, और उसके बाद कितनी खुशी इनके चेहरे पे वो साफ तौर पर जाहिर है। और भी भक्तजन है जो यहाँ पर आ रहे हैं, और वैसे कहीं ना कहीं जो संख्या है भक्तों की साफ तौर पर दिखा रही कि कोरोना का डर जो है, सेकंड वेव का जो डर है, वो अभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि भगवान को न्योता देना है और साथ ही शादी समारोह भी, तो ऐसे में वो ही लोग ज़्यादा आ रहे हैं मंदिरों में। जी बिल्कुल आयुषी, देखिए खुशी का माहौल है, और ये भी एक अच्छी बात है कि जिस तरह से बताया गया मोती डूंगरी मंदिर में जितने भी पुजारी हैं उन सबको वैक्सीन की एक डोज तो कम से कम लग ही चुकी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दो डोज लग चुकी है। तो आयुषी कोविड की जो गाइडलाइंस है वो किस तरह से उसकी पालना लोग करते हुए मंदिर में आपको नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए आयुषी आपको बता दूं कि जो कोविड की जो गाइडलाइन निर्धारित की गई है अनलॉक 3 की गाइडलाइन के तहत, उसका पूरी तरीके से पालन यहाँ पे करवाया जा रहा है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मास्क बिल्कुल अनिवार्य तौर पर है, तो वही वैक्सीनेशन का जो फॉर्मूला है अनलॉक 3 की गाइडलाइन के तहत दिया गया वो भी फॉलो किया जा रहा है। तो वही जो प्रसाद है उसको चढ़ाने की अनुमति नहीं है, बस ये जो शादी समारोह के जो लोग आ रहे हैं कुछ निमंत्रण लेके आ रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल आयुषी, सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम, क्योंकि अगर लोग ज्यादा आते हैं तो किस बेसिस पे कितने लोगों को एंट्री दी जा रही है और किस बेसिस पे उनको एंट्री दी जा रही है? देखिए आयुषी मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पर गोले बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाने के लिए, और उन गोलों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एंट्री दी जा रही है कि जैसे ही ये लोग जो मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं उनको एंट्री दी जाती है। एक सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला यहाँ पे बनाया गया है इन गोलों के माध्यम से, आप देख सकते हैं इनमें कोरोना का साइन भी बनाया गया है, तो ये भी खासियत है यहाँ पर। और देखिए कि जिस तरीके से लोग आएंगे वो यहाँ पर अपने गोले में अपनी बारी का इंतजार करेंगे, और जैसे ही दर्शन करते हैं उसके बाद वो वापस से जा सकते हैं। और तस्वीरें आपको साफ तौर पर बयां कर रही होंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को कितने खास तरीके से यहाँ पे फॉलो करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल आयुषी, देखिए 73 दिनों के बाद आज मंदिर के जो पट है वो खुले हैं, और ऐसे में उत्सुकता जो है लोगों में काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हमें भीड़ थोड़ी कम देखने को मिल रही है। तो क्या ये माना जा सकता है कि लोग कोरोना का जो दूसरी लहर है जो फिलहाल चल रही है उसका ध्यान रखते हुए काफी ज्यादा सिक्योर रहने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल आयुषी, संक्रमण घटा है पर खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि संक्रमण घट तो चुका है पर जो डर है वो जरूर है। सर आज इतने दिनों बाद आप मंदिर में आए हैं, बहुत दिनों से इंतजार होगा कि कब पट खुलेंगे और मोती डूंगरी गणेश मंदिर के मैं दर्शन करूंगा, कैसा लग रहा है दर्शन करने के बाद? बहुत अच्छा लगा है सबको देख के, और सभी दर्शन कर रहे हैं, लोग आने जाने वाले बेचारे तरस रहे थे दर्शन करने के लिए, दूर दूर से भी आते थे, गणेश जी नोतने भी आते थे शादी विवाह के लिए, तो सब आज खुश हैं आदमी, अच्छा भी लग रहा है सबको। अच्छा भी लग रहा है, क्या मनोकामना आपकी? सबको खुश रखे भगवान, सबकी बीमारी को मिटे, सबको शांति से रखे। बिल्कुल आयुषी, देखिए इससे पहले जब हम लोग प्रार्थना करते थे पूजा अर्चना करते थे, एक ख्वाहिश हमारी रहती थी कि हमारा और हमारे अपनों का ध्यान रखा जाए, भगवान सभी जगह मंगल कामना के साथ सब जगह खुशहाली बांटे। तो वैसे में इस बार जब से कोरोना आया तब से सभी आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो सब यही दुआ करते हैं कि कोरोना से जल्द निजात मिले, कोरोना का जो साया है वो आमजन के ऊपर से उठ जाए और जल्द से जल्द इस बीमारी से हमें निजात मिले। तो तस्वीरें आपको साफ तौर पर बयां करें कितनी खुशी है, और जैसे कि आज सबके जो चेहरे साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग खुश हैं क्योंकि आज मंदिर के पट खुले इतने दिनों बाद, तो श्रद्धालुओं को देखकर कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे भी खुशी है। बिल्कुल, मंदिर प्रशासन के चेहरे पे। जी आयुषी आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल हम हमारे दर्शकों को गोविंद देव जी मंदिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इतने लंबे समय के बाद 73 दिनों के बाद आज मंदिरों के पट खुले हैं, गोविंद देव जी मंदिर के भी पट खुल चुके हैं, और वहां से सीधी तस्वीरें लाइव
हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं फिलहाल ये प्रवेश की तस्वीरें, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त लाइन में लगे हैं। कल कलेक्टर साहब से मीटिंग होने के पश्चात सब निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है। इसमें दर्शनों का समय सुबह 7:45 बजे से लेकर 11:30 बजे तक निरंतर खुले रहेंगे। सायंकाल के दर्शन ग्वाल से शयन तक एवं मंगला की झांकी अभी दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा। इसके अतिरिक्त अभी रविवार को भी जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त एकादशी को भी अत्यधिक भीड़ रहती है एवं मावस पूर्णिमा को भी भीड़ रहती, तो इस दिन भी दर्शनार्थियों का प्रवेश अभी हाल फिलहाल अभी निषेध रखा गया है जुलाई माह के लिए। और इसके अतिरिक्त पूर्व की तरह यहाँ पे एक तरफ से लोग बाग प्रवेश करेंगे और 5 लाइनें यहाँ अंदर बनाई गई हैं। जो लोग जैनिवास बाग से आएंगे, ब्रह्मपुरी की तरफ से आएंगे, उनके लिए 4 लाइनों का निर्माण किया गया है।